गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। चुनौतियों से हमें नहीं डरना चाहिए, उनका सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियाँ ही हमें महान सफलता के लिए तैयार करती हैं। अगर आप में अकेले चलने का हौसला हो तो खुद पर यकीन रखो और अपनी रास्ते पर चलते रहो। माना कि आज तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों होंगे। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल न हो। समझ लीजिए, भगवान चाहते हैं अभी आपको और मजबूत बनना है, या हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको याद वही रहता है जो लोग और वक्त सिखाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण बनती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अगर आप असली खुशी तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनने में उनकी मदद कीजिए। यकीन मानिए, उनको सफलता मिलते ही आपको उनसे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझर के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही खुशियों का आगमन होता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी सिखाती है। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो क्या, एक नई सीख मिलेगी। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। भरोसा रखो उस भगवान पे, कभी ज़्यादा मांगो नहीं, और विश्वास रखो कम वो देंगे नहीं। जिंदगी में आप कितने बार हारे ये मायने नहीं रखता। अगर आपका लक्ष्य जीत है तो कोशिश करते रहें। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधेरा हर लेता है। शानदार जिंदगी जीने के लिए दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, अपने इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर का ही होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हर अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का होता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। घमंडी इंसान अपने आवाज़ को भारी और शब्दों को हल्के रखते हैं, और समझदार इंसान अपने शब्द भारी और आवाज़ को हल्के रखते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी होता है। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज की कड़वी सच्चाई है, आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको गिराकर हराने की कोशिश करते हैं। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ भी नहीं होता, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ होता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं।
खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी के किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है मुझे। अगर कोई आपको न समझे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सभी के समझ में नहीं आते। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा बनते हैं। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी मत छोड़ना। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या न करे। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर के लिए रहता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। कदर इंसान की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। उजाले की कदर उन्हें ही होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। जीवन में खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से ही करें, किसी और से नहीं। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है राहों में रुकावटें पैदा करना। एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए में मिलती है। इसी प्रकार यदि आपको कहीं अपनी वैल्यू कम फील हो रही हो तो अपनी जगह बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस जमाने में, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी लोग अक्सर बदल जाते हैं। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। दिल को साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, अच्छा सोचो और चिंता करना छोड़ दो। अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखिए, संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। घर बड़ा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है यह मायने रखता है। भरोसा एक स्टिकर जैसा होता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन पहले जैसा दोबारा नहीं चिपकता है। टूटे हुए सपने और रूठे हुए अपनों ने आज उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप जितना दबते हैं लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिएगा। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी के नजरों से नहीं गिरना चाहिए। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ छोड़ दिया, गम यह है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने साथ छोड़ दिया। मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब लोग खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डसते हैं। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना है कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को तो वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो।
कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला इंसान ही अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलने लगे हैं। जिंदगी सिर्फ तभी आसान होती है जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा करते हैं। भरोसा भी एक कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। चेहरा वही होता है, बस आईने बदलते रहते हैं। शब्द वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा ही है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जब कोई समझे न तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने न तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। जब वक्त और हालात दोनों साथ न दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। अकेले खड़े होने का साहस रखो, ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। जैसे पैसों की कदर करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है, इसीलिए संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटें। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उसी दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कहीं नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। अगर आप जिंदगी में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा जीवन होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलना भी सीख लो। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है।
खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगने लगती है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी मत खोना। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भी भूल जाते हैं। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही आपका अपना है। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन शब्द नहीं बदलते। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से कर रहे हैं। भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अपनी जिंदगी ऐसे जियोगे अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही न हो। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि मुसीबत में साथ देने वालों से होनी चाहिए। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो उन लोगों से समस्या है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए, देखना एक दिन वक्त आपके साथ दौड़ेगा। परछाई कद से और बातें औकात से ज्यादा होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। चिंता कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाता है। ऊपर वाले से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतना ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वो तुम्हें रुलाएगा। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते उसे उम्र कहते हैं और जो अपनों के साथ बीते उसे जिंदगी कहते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। जिनमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है।
दुश्मन चाहे कितने भी हो पर दोगला यार एक भी न हो। जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। कुछ लोगों के नज़रों में आप कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उनकी नज़रों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। थोड़ा ध्यान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। दुआ में याद करने के ज़माने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। जहां आपकी गलती न हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत न हो वहां रुको मत। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है। आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत न पड़े। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें ज़िंदगी का सही मतलब बताएंगे। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। ज़िंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी बदनामी का कारण बनती है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलबों से नहीं। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांसें और दूसरा साथ। सांसें टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल रखिए। जिसने थोड़े से ही में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग ऊपर वाले को बहुत पसंद आते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। हर रिश्ता की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई हो ही नहीं सकता। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सबके तरह नहीं हैं। हम किसी की ज़रूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। माफ़ चाहें बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो, क्या पता कल आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया है जिनका आपका जीवन में कोई योगदान नहीं था। बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है।
कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा लगता है, जान पहचान तो जान ले लेती है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है, बस इरादे और नीयत नेक होनी चाहिए। खुद को खो दिया हमने लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दीपक मिट्टी का है या सोने का यह जरूरी नहीं होता, जरूरी तो यह होता है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर यह जरूरी नहीं होता, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है यह जरूरी होता है। जवानी की लालच में बचपन चला जाता है और कामयाबी की लालच में जवानी चली जाती है। खुश रहो क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी भी कम नहीं होगा। जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ो। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। बहुत चालाक हो गए हैं ये दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने हम बनाए गए हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सबका आता है। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? जब तक किसी इंसान को आपकी ज़रूरत न हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी न करें। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। कई बार हम दूसरों की लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का मौका ही गंवा देते हैं। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। लोग झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, मैंने तो कांटों के साथ रहते हुए फूलों को आज तक चुभते हुए नहीं देखा। आए वक्त तेरा शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा है तुमने ही सिखाया है। तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी तो मिली नहीं मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर ही रहना चाहिए। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और ख़त्म करना हो तो सिर्फ एक बार सच्चाई बयां कर दो। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है।
आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। दो हाथ जोड़कर हम 50 लोगों को तो मार नहीं सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो बदलेगी एक दिन जरूर। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करते रहना चाहिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित नहीं करना चाहिए। सुंदरता आपकी दृष्टि कोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसी निश्चित बुद्धि जिनकी भी होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिनमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी अन्य लोक में। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। वक्त सब कुछ दिखा देता है, लोगों का साथ भी और लोगों की औकात भी। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कठिन रास्तों से न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों की तरफ जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। बुरे दिनों का एक अच्छा फायदा है कि ये अच्छे अच्छे दोस्त बुरे समय में ही परखे जाते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्द नहीं मिलती। शुक्रगुजार हूँ मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूँ। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न ही लोगों के रहोगे और न ही खुद के रहोगे। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई है।
और ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी बच गई है। आपकी कीमत सिर्फ तभी होती है जब आपकी जरूरत होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर भी गम को कैसे पीते हैं। जिंदगी में जब भी बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नज़र फेर लेते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वही रिश्ता ज़्यादा सफल होता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज़्यादा होता है। जिंदगी में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जुबान कड़वी और दिल साफ है, कौन कब बदलता है मेरे पास सबका हिसाब है। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द हमेशा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं करता, उसकी मदद करने तो भगवान को भी आना पड़ता है। खाली जेब लेकर कभी निकलो बाजार में, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। मुझे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को जहर लगता हूँ। बचा के रखना अपने रिश्तों को दुनिया से। मैंने देखा है खूबसूरत रिश्तों को नज़र लगते हुए। जिंदगी में एक ऐसा हम सफर चुनिए जो आपकी बातों से पहले आपकी खामोशी को समझ जाए। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो बात बात पर क्रोधित होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। लोग कहते हैं कि आजकल मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, अब उन्हें क्या पता कि मैं कितने सारे दर्द दिल में छुपा रहा हूँ। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता, और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। जो समझे भी और समझाए भी, इस दुनिया में उस रिश्ते से प्यारा और कोई रिश्ता नहीं होता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखना, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना कि वो तुम्हारा है ही नहीं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने भी नहीं देते। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज़्यादा वही रोते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना सीख जाओगे। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वो किसी की परछाई बनने में कहाँ। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। ना हम मीठे हैं और ना ही हम बनने की कोशिश करते हैं, हम तो वो सच हैं जो सबको करवे लगते हैं। एक वक्त है जो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लेना वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात को सोने न दे। जो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनसे ज्यादा सगा आपका और कोई नहीं हो सकता। जो आपके पास है उसका शुक्र मनाओ, क्योंकि किसी किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी का इज्जत नहीं करता, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है।
कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जो इंसान खुद को